नमस्कार दोस्तों, मैं कोठारी आयसर से विनोद, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोठारी आयसर पर। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये है आयसर ट्रैक्टर 485 जिसका हमने खोला है हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रॉब्लम बता दूं कि इसमें प्रॉब्लम है कि ये हाइड्रोलिक है, इसका जो है झटके मारता है और डाउन भी हो जाता है। तो इसमें क्या वजह है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए सबसे सीट वगैरह ये खोल लेते, टापा, इसके प्लेट वगैरह, और ये हमने इसका डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी अभी खोल चुके हैं। और अब हम जो अंदर रैम सिलेंडर है इसको भी हम खोलेंगे, बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम इसको फटाफट बाहर खोल लेते हैं 8 नंबर एलंगी की सहायता से। और 3 बोल्ट जो लगे इनको खोलना होता है ये इधर, और अपना रैम सिलेंडर आसानी से बाहर आ जाता है। तो चलिए हम जो नट है वो खोलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो। तो जब रैम सिलेंडर कब निकलेगा, जब पीछे साथ थोड़ी ड्रावर पट्टी को आप ऊंचा करोगे तब। तो इसको थोड़ा ड्रावर पट्टी को हाथ से पीछे से उठाना है, और आपको रैम सिलेंडर को ऊपर की ओर उठाना है। तो ऐसे इस तरह से आप बाहर निकाल सकते हो। चलिए अब इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर स्पूल वगैरह हम खोल चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसका पिस्टन बाहर निकालने के बाद हम दिखाएंगे इसकी जो ओरिंग है इसकी सही है या फिर खराब हो चुकी है। तो ऐसे लकड़ी के पे गुटके पे आप ठोंक के आसानी से पिस्टन है वो बाहर निकाल सकते हो। तो चलिए हमने स्पूल वगैरह हमने इसके निकाल चुके, वो नहीं दिखाया वीडियो में, तो हम फिट करेंगे वो आप देख सकते हो। तो वही टेक्निक फिट करने की होती है, और उसकी अपोजिट स्पूल खोलने की होती है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो देखते हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक जो काले कलर की ओरिंग लगी होती है वो हम निकालेंगे। वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तार, मतलब तार टाइप से चाहिए, तार हार्ड जो होता है सुई की तरह वो चाहिए, करीबन 9-10 इंच का। उसकी सहायता से आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तो ये लिया है हमने, देखना इसकी सहायता से हम जो काले कलर की ओरिंग है उसको हम बाहर निकाल देंगे। ये ओरिंग हमारी बाहर आ चुकी है। अब इसमें हम दूसरी ओरिंग डालेंगे। तो ये ओरिंग है इसकी, और हम इसको डालेंगे ओरिंग को, और इसमें मेन हम आपको वजह भी बताएंगे कि इस वजह से हाइड्रोलिक है वो टुनकी या झटके जैसे बोलते झटके मारता है और डाउन भी होता है। तो सबसे मेन वजह है वो, और मेन भूमिका है उस पार्ट्स की हाइड्रोलिक के अंदर, उसके बारे में हम आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो ये जो ओरिंग है इसको बिठा देना है, क्योंकि मैंने पूरा आपको लाइव वीडियो दिखाया, कोई काटा पीटी नहीं की है इसमें, थोड़ी बहुत हुई होगी काटा पीटी, बाकी मैंने पूरा आपको दिखाया जो मेन मेन इसमें पार्ट्स है। बाकी आपको मैं फिट करना भी, इसमें स्पूल फिट कैसे करते क्या करते सब सारा सिस्टम इसमें दिखाऊंगा। तो अभी हम जो ओरिंग है उसको हम फिट करते हैं, इसके बाद हम स्पूल की बात करेंगे आपके सामने। तो चलिए ये ओरिंग जो अपनी बैठ चुकी है, इसके बैठने के बाद ओरिंग को अच्छे से चेक कर लेना सही खांचे में बैठी है या दूसरे में। तो ये ओरिंग हमारी बैठ चुकी है। अब इसके बाद हम स्पूल, तो इसको हमने साफ करा है क्योंकि थोड़ी बहुत एमरिया अगर रह जाती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। इसके बाद ये पुराना स्पूल है, आप देख सकते हो ये घिसा हुआ है एक साइड से,
हमारे जो मैकेनिक भाई, उन्होंने स्पूल को घिस दिया, मतलब इतना उन्होंने के अंदर दिमाग नहीं था, या हो सकता उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस कारण से ये इसमें जो मेन समस्या थी स्पूल की, क्योंकि इसमें नया सारा सामान डाला हुआ था फ्रेंड। ओ रिंग, सिर्फ ओ रिंग इसकी सारी नई है, इसमें ओ रिंग फ्रेश है बिल्कुल, जैसे जो रैम सिलेंडर की ओरिंग भी इसमें बढ़िया है, सही है, और स्पूल की जो ओरिंग है वो भी सही है ना, सारा सिस्टम उन्होंने सही किया, मगर उन्होंने स्पूल चेंज नहीं कर पाए वो, और स्पूल को उन्होंने घिस दिया जहाँ से, जैसे स्पूल स्लिप के अंदर जैसे जो शाफ्ट रहती है, तो ये लॉक लॉक निकलने के बाद ये बाहर आती है, मगर हमारे जो मैकेनिक भाई है उन्होंने क्या किया कि उसको निकालने के लिए एक साइड से स्पूल को ही घिस दिया। तो चलिए ये कंडीशन आप देख सकते हो, स्पूल का जो आगे वाला जो मत्था होता है वो घिसा हुआ है इसका, और जो नया स्पूल है ये देख सकते हो, ये अब हम इसकी जो लॉक निकालेंगे, और लॉक निकलने के बाद ये स्पूल स्लिप से बाहर आता है, और आपने जो पुराना स्पूल देखा कि बगैर लॉक निकाले ही बाहर आ गई जो स्पूल है अपना स्लिप के अंदर से, तो ये लॉक निकलती है, और लॉक निकलने के बाद फिर अपना जो स्पूल है स्लिप से बाहर आता है। तो चलिए ऐसे ही ये लॉक इसमें लगा देना, अब देखना ये स्पूल बाहर नहीं आता फ्रेंड दोनों साइड से, ये देख सकते हो, ठीक है। ये तो ये वाला जो मत्था था जो घिसा हुआ था हमारे जो पुराना स्पूल का, जो हमारे मैकेनिक भाई ने इसको घिसा था, ये यहाँ से बिल्कुल चैम्पट कर दिया, और नीचे तक भी उन्होंने थोड़ा ग्लैंडर मार दिया, तो इस वजह से ये स्पूल का और सारा भंड बिगड़ गया, तो हम इसमें नई ओरिंग डालेंगे पूरी फ्रेश। देखना ओरिंग कितनी सही है, फिर भी हम इसमें नई डाल देंगे, ताकि जो हमारे मैकेनिक भाई जो किसान भाई है हमारे, इनको परेशानी ना हो बार बार। तो चलिए हम इसमें नई ओरिंग है जो बिठा देते हैं, नई ओरिंग हम कैसे बिठाते हैं और कैसे बिठाते हैं वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो ऐसे ओरिंग को बिठा देना है, एक ओरिंग यहाँ पे बैठेगी और एक ओरिंग का पॉइंट दूसरी जगह है, आप देख सकते हो वीडियो में कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट पे ओरिंग बैठती है। तो ये स्पूल हमारा हो चुका कंप्लीट, और अब इसको हम फिट करेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत हम ऑयल या थोड़ा ग्रीस का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हमने पहले तो अच्छे डीएल से साफ कर लिया, इसको हो सकता थोड़ी बहुत कुछ एमडी वगैरह हो, तो इसमें हम थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, हम थोड़ा ऑयल लगाएंगे हमारे स्पूल के इसके ऊपर, और आप ग्रीस भी लगा सकते हो थोड़ा साफ सुथरा बढ़िया, जिससे क्या होती है कि स्पूल अपन जब बिठाएंगे तो इसमें जो ओरिंग है वो बॉडी से कटती नहीं है। तो चलिए हम इसमें ऑयल लगा लेते हैं स्पूल के अंदर अच्छे से, और इसके अंदर भी हम अच्छे से ऑयल लगा लेते हैं, ताकि जो हम जब स्पूल बिठाएंगे तो ओरिंग जो हमारी कटे नहीं और आसानी से बैठ जाए। तो चलिए इसके बाद हम स्पूल बिठाएंगे, ये ऐसे फ्री चलना चाहिए स्पूल स्लिप के अंदर। तो चलिए इधर से स्पूल बैठता है ऐसे, और इसको ऐसे हाथ से दबाना फ्रेंड, हाथ से, कोई हथौड़ी चोट वोट नहीं मारना ज़्यादा, अब मार सकते हो इसमें हथौड़ी की थोड़ी बहुत चोट, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाता है कि ओरिंग कटी है या नहीं है। तो चलिए यहाँ से बाल रख के हम आपको यहाँ पे चोट मारेंगे और स्पूल हमारा बैठ जाएगा, तो ये स्पूल हमारा बैठ चुका है, ठीक है, और ये हमारा स्पूल बैठ चुका है, और फिर
हम आपको इसमें दिखाएंगे वापस निकाल के कि स्पूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्पूल को इधर से ठोकना है और वैसा वैसा वापस आ जाएगा। और ये ओरिंग देख लेना साफ है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसमें ऑयल वगैरह लगा दिया था, तो ओरिंग हमारी बिल्कुल सही साट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको अब फाइनल फाइनल फिटिंग कर देंगे। तो चलिए वैसा ही स्पूल को इधर से धकाना है, और वही हाथ से धकाना आपको ये ऐसे, और आप इसमें चोट मार सकते हो थोड़ा। तो ये स्पूल हमारा बैठ चुका है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें लाख, ये लाख लगती है तो निकालने में थोड़ी बहुत हो जाती है इधर उधर, तो इसको सही करके और इसको लाख को लगा देना है। लॉक को आपको अच्छे से बैठा देना है, और इसके बाद हम बताएंगे इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करके। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, पहले हम स्पूल बिठाने के बाद ये लॉक लगाएंगे। और तो ये लॉक हमारी बैठ चुकी है। अब इधर जाते हैं, अब हम इधर का जो सामान है ये फिट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। स्पूल में को क्या क्या आइटम जाता है, तो स्पूल सिले भी ऐसी फ्री चलना चाहिए इसके अंदर। चलिए इसके बाद ये टोपी, ये कहाँ पे लगता है, ये इसके अंदर स्पूल के अंदर। फिर इसके बाद स्प्रिंग, और फिर ये पीछे केप, केप को कस देना आपको अच्छे से। अब केप कसने के बाद इसमें प्लेन वाइसर और 10 नंबर नट कस आता है, जो हमारे जो पीछे केप को लॉक करने के लिए प्लग, जो स्पूल का प्लग है पीछे, उसको लॉक करने के लिए। तो इसको ये 10 नंबर टी से हम उसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद हमने जो स्पूल का केप कसा था, इसको हम वापस रिटर्न खोलेंगे ताकि ये जो उसकी सीट है वाइसर से आके टाइट हो जाए, टच हो जाए। तो चलिए ये तो हमारा हो चुका कंप्लीट। अब इसमें ओरिंग वगैरह लगाना है, तो ओरिंग भी हम इसकी चेंज कर देंगे सारी। तो ये देख सकते हो ये ओरिंग हमने दूसरी लाए, और ये ओरिंग ऐसे यहाँ पे ग्रीस की सहायता से इसको सेट कर सकते हो, आसानी से हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये छोटी छोटी ओरिंग है, एक ये ओरिंग यहाँ पे लगती है और एक ओरिंग यहाँ पे लगती है। तो चलिए हम सारी ओरिंग वगैरह इसमें फिट कर देते हैं। तो चलिए ये डिस्ट्रीब्यूटर तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम इधर रैम सिलेंडर पे। तो चलिए ये इसकी पुरानी स्पूल स्लिप है ये, जो ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से अपना जो हाइड्रोलिक है टुनके मारता है। और भी बहुत सी वजह होती है, मगर सिर्फ जो इस ट्रैक्टर में, जो इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक में जो वजह थी, वो सिर्फ वजह थी स्पूल की वजह से हंटिंग कर रहा था, झटके मार रहा था, और डाउन भी इसी की वजह से हो रहा था। तो चलिए हम जो पिस्टन है बाहर निकालते हैं। तो पिस्टन ये आ चुका बाहर, तो देख लीजिए इसकी ओरिंग सही है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम इसमें नई ओरिंग डालेंगे। क्योंकि ये सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए डाल रहे हैं, चल जाती वो ओरिंग खैर, मगर हमको नहीं चलाना है, हमको काम सही करना है हमारे किसान भाई का, जो परेशान ना हो। हंड्रेड एमएम की ओरिंग लगती है इसमें। तो ये इसके बैकअप रिंग जो साइड में है कट वाली, और इसकी जो मेन ऑयल रिंग है जो बीच में सेंटर में जो लगी हुई है नीले कलर की, ये है मेन। ये अगर ख़राब हो जाती है तो आपका हाइड्रोलिक भी जब तब भी टुनकी मारता है और डाउन भी हो जाता है। तो
कारण बहुत हो सकते हैं उनके मारने का, मगर जो इस ट्रैक्टर में मैंने कारण बताया वो सिर्फ एक कारण था, सिर्फ स्पूल स्लिप। तो चलिए फ्रेंड, हम इनकी इसकी ओरिंग निकाल देते हैं पिस्टन की, और इसमें हम नई ओरिंग बिठाएंगे। और नई ओरिंग बिठाने के बाद ट्रैक्टर कंप्लीट होने हम आपको दिखाएंगे कि काम कैसे करता है हाइड्रोलिक। तो ये देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब इसको हम साफ कर लेते हैं, अच्छा डीजल से इसको धो लेते। तो ये हो चुका है साफ, और इसके बाद चलिए हम अब ये देख लेना, 100 100 का डाया है इसका जो रैम सिलेंडर का। तो आइसर का हम जो जेनुअन देख लेना, कंपनी के आपके सामने नया पैक फाड़ा हमारे कंपनी ने क्या किया, एक जो बैकअप रिंग है ब्लैक कलर की है और एक पीले कलर की उनने जो बैकअप रिंग दी है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम जो सेंटर वाली ओरिंग डालते हैं ब्लैक काले कलर की, और उसके बाद फिर हम जो मेन ऑयल रिंग डालेंगे, ये है मेन, इसका ही काम है इसमें रेम सिलेंडर के अंदर ये मेन ओरिंग है इसकी ये। और इसके बाद ये बैकअप रिंग आप देख सकते हो, एक काले कलर की और एक पीले कलर की है। तो चलिए कंपनी का माल है। अब हम इसमें जो रैम सिलेंडर उसमें बिठा देंगे उसको, इसमें ऑयल लगा के थोड़ा सा ऊपर से धक्का मारना है तो ये आराम से बैठ जाती है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि इसमें जो ओरिंग है नीचे से, इसमें बैकअप जो कंप्रेसर बन रहा है, कंप्रेसर की वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है बैठाने में। तो हमने थोड़ा एक साइड से ऊँचा किया तो ये आसानी से बैठ चुकी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इनको फटाफट अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये ओरिंग है इसका भी इससे ध्यान रखना है, इसको डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये ओरिंग इसकी डाउन हो चुकी है तो इसको भी हम चेंज करेंगे। चलिए आ जाते इधर, अब हम इसको करेंगे फिट, और फिट करने के बाद हम आपको हाइड्रोलिक की कंडीशन दिखाएंगे। चलिए ये ओरिंग हमने इसकी देखना छोटी है काफ़ी, तो हम इसकी ओरिंग उस चलाते हैं और इसके बाद हम आपको फिर ट्रैक्टर फिट करके आपको दिखाएंगे। तो ये ओरिंग हमने दूसरी डाल दी है इसमें, ये फिक्स है। अब इसमें हम थोड़ा ग्रीस लगा देंगे ताकि जो हम जब रैम सिलेंडर फिट करेंगे तो ये ओरिंग निकले नहीं बाहर। तो चलिए ग्रीस ले लेते हैं हम थोड़ा, और ग्रीस के बाद हम इसमें लगा देंगे यहाँ पे, और ओरिंग को यहाँ पे सेट कर देंगे, यानी ओरिंग को चिपका देंगे हम ग्रीस की सहायता से। तो चलिए ओरिंग हमारी चिपक चुकी है और ये डिस्ट्रूटर कंप्लीट हो चुका है, रिम सिलेंडर हमने कस दिए हैं, और अब ये ट्रैक्टर स्टार्ट है हमारा। वो आपको हम दिखाएंगे हाइड्रोलिक। तो ये इसे ट्रैक्टर को न्यूट्रल करना है और ये स्टार्ट, और अब दिखाएंगे हमने अभी ऊपर की जो प्लेट है ली हुई है इसकी, तो और हम इसमें देखेंगे देखना ये आए तो देख रहा और आगे का इसमें बड़ी अच्छे से। और अब जो अभी लिफ्ट हमारी डाउन है इसको ऊपर करेंगे लिफ्ट को, तो ये हमने लिफ्ट को ऊपर की और ये हमारा हाइड्रोलिक देखने ऊपर ये आ चुका है। तो वीडियो कैसी लगी फिर कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, इससे क्या होगी भी अगली नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो उसके बाद वीडियो अच्छे से लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी फिर कमेंट करके जरूर बताना, और जो हमारा ट्रैक्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका हाइड्रोलिक जब उठता जब फ्रेंड इसकी केम पूरी बाहर होती है, और केम दबाने पे डाउन होती है, डाउन होता है हाइड्रोलिक केम दबाने पे। तो चलिए जब भी आपका हाइड्रोलिक जैसे ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि केम फर्स्ट